अगर आप भी सीखना चाहते हैं इन सभी सॉफ्टवेयर में से कोई भी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, यदि आप लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके आप हमारे क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त शंकर श्रीवास्तव। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऑटोडेस्क माया अर्थात टारगेट एनिमेशन कोर्स के अंदर पार्ट 5 में बर्तन की मॉडलिंग कंप्लीट सीखेंगे, जिसे आप आइक्लोन तक ले जाकर के आसानी से अपने स्टोरी में यूज कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो भी हम यहाँ पर बर्तन बनाएंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप पूरी की पूरी फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें एक पासवर्ड लगी होगी। अगर वो पासवर्ड आपको खोलना है तो इस वीडियो को पूरी देखनी होगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से ऑटोडेस्क माया 2022 को ओपन कर लेते हैं। तो ये है मेरे पास माया 2022। दोस्तों, यहां से मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक स्पेयर लेता हूं। तो मेरे पास मैंने एक स्पेयर ले लिया और स्पेयर लेने के बाद मैं क्या करता हूं, यहां राइट क्लिक करने के बाद डायरेक्ट मैं यहां से फेस मोड में चला जाता हूं और कुछ फेस को मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, यहां सिंगल क्लिक किया और यहां पर शिफ्ट का बटन दबा डबल क्लिक और इसे मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद मैं यहां से ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूं और यहां मेश में जाता हूं और यहां से सेपरेट कर देता हूं। ठीक है, मैंने सेपरेट किया और ऊपर वाले को मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। राइट, डिलीट करने के बाद अब मैं क्या करता हूं, यहां से ईज मोड में चला जाता हूं और इस ईज को मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। सिंगल क्लिक डबल क्लिक से सारे हो जाते हैं। ठीक है, और यहां से थोड़ा सा मैं नजदीक भी लेकर चला जाता हूं। ठीक है, और उसके बाद मैं करता हूं कंट्रोल ई, कंट्रोल ई। ठीक है, ई फॉर एलिफेंट, कंट्रोल ई किया और मैंने फिर से थोड़ा सा इसको स्केल किया अंदर की तरफ और उसके बाद हल्का सा मैंने ऊपर ले लिया। उसके बाद वापस कंट्रोल ई मैं किया हूं और कंट्रोल ई करने के बाद यहां मूव टूल में आकर मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूं। ठीक है, यहां पर मैंने ले लिया और उसके बाद कंट्रोल ई किया और यहां से स्केल टूल में आकर के मैंने 20 से इसको स्केल कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने इसका जो स्केलिंग कर दिया है। राइट, अब मैं क्या करूंगा, बस हो चुकी है मेरी मटका, अब मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड में आ जाता हूं। हालांकि टेक्निक तो दूसरा था, लेकिन मैं आप लोगों को इजी वे से बता रहा हूं ताकि एक बार में समझ में आए। जब ये ऐसा हो जाएगा तो लाइटिंग में जाके टू स्टार लाइटिंग जरूर कर लेना, तो ऐसा दिखेगा। इसके बाद आपको डायरेक्ट कंट्रोल ई करना है, कंट्रोल ई। जैसे ही आप कंट्रोल ई करोगे तो यहां पर कंट्रोल ई फॉर एलिफेंट एक्सट्रूड होता है, उसे यहां पर इसका वैल्यू डाल दोगे, जितना मोटा आपको चाहिए उतना। ठीक है, देखो ये मैंने कुछ ज्यादा ही मोटा कर लिया, देख सकते हैं आप। तो यहां से 0.06 इंटर, ठीक है, मैंने 0.06 इंटर किया और ये हमारे जो है घड़ा बनकर रेडी है। उसके बाद तीन का बटन दबाइए, 1, 2, 3, तीन वाली जो बटन है वो दबा दीजिए। जैसे ही आप 3 का बटन दबाइएगा ना तो ये स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, और स्मूथ होने की वजह से ये आप एट्रैक्टिव दिखाई देने लगेगा, एकदम लगेगा कि रियल ही ये मटका है। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके साइड में रख देता हूं। तो ये थी हमारी पहली मॉडलिंग। इसको कलर कैसे करना है वो भी हम बता देंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर में यहां पर रख देता हूं। राइट, उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन को भी देख लेते हैं। दूसरे ऑप्शन में हम लोग फिर से एक यही वाले स्पेयर को लेते हैं। ठीक है, मैंने एक स्पेयर को लिया है और स्पेयर लेने के बाद इसमें अब हम क्या करेंगे, यहां से चैनल बॉक्स में आएंगे, यहां चैनल बॉक्स खोलेंगे और यहां पर इसकी डिवीजन जो है वो बढ़ा लेंगे हम लोग। ठीक है, तो मैंने काफी सारे डिवीजन को यहां से बढ़ा लिया। फिर ईज मोड में जाएंगे और ईज मोड में जाने के बाद इसको हम लोग आधा भाग को डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहां से मैंने सेलेक्ट किया और एडिट में गया और यहां से कर दिया डिटेच। ठीक है, डिटेच किया, ऑब्जेक्ट मोड में गया और यहां से इसके ऊपर आया और यहां मेश के ऊपर गया और यहां पर मैंने सेपरेट कर दिया। फिर ऊपर वाले भाग को यहां से डिलीट कर देना है, तो मैंने ऊपर वाले भाग को डिलीट कर दिया और इसको ऊपर लेना है। और ऊपर लेने के बाद अब हमें क्या करना है, कंट्रोल ई पहले करना है, कंट्रोल ई। कंट्रोल ई करने के बाद इसका थिकनेस सेट कर देना है, तो 0.1 इंटर। ठीक है, ये हम कड़ाही बना रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा और बस छोड़ देते हैं इसको। उसके बाद फिर क्या करना है, सामने टू सामने, जैसे कि यहां पर दो ले लेते हैं, दो दो छोड़ करके ये मैंने सेलेक्ट किया और फिर इसके सामने कोशिश करना कि ये सीधी सीधी जो है ना सामने ही हो। दो छोड़ के मैंने इधर भी कर दिया, अगर हम चाहे तीन छोड़ के करें तो और अच्छा रहेगा, तीन छोड़ के हम कर देते हैं। तो फिर से मैंने इसको हटा दिया,
बीच में तीन लाइन को छोड़ दिया और दो तीन, ठीक है, और ये, और बीच में तीन बॉक्स, एक दो तीन छोड़ के मैंने चौथा पे क्लिक कर दिया, ठीक है। क्लिक करने के बाद अब मैं कंट्रोल ई दबा रहा हूं, कंट्रोल ई दबाया और ये वाली जो हमारी दिखाई दे रही है इसको ऐसे करके खींच लिया मैंने, ठीक है, इतना खींच दिया, छोड़ दिया। फिर मैं यहां से फेस मोड में आया हूं और उसके बाद मैं क्या करता हूं, ये वाली जो हमारी फेस है इसको पकड़ लेता हूं, फिर शिफ्ट का बटन दबा के इसे पकड़ लेता हूं और एडिट मेश में जाता हूं और यहां से मैं कर देता हूं ब्रीच। जैसे ही ब्रीच करेंगे ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब क्या करना है, एक ऑप्शन भी आ जाएगा ब्रीच करने के बाद, लीनियर को ब्लेंड कर देना है और ये जो माइनस है इसको दोनों को प्लस कर देना है, ठीक है, और यहां से डिवीजन को बढ़ा देना है, राइट। सेम काम आपको यहां भी करना है, दोनों को सेलेक्ट करना है, एडिट मेश में जाना है और यहां से ब्रीच कर देना है। ब्रीज करने के बाद यहां से ब्लेंड करना है, डिवीजन को आप चाहो तभी बढ़ा सकते हो, माइनस को प्लस करना है, माइनस को प्लस करना है, और आपको देखते ही देखते ये सुंदर सा कराही बनकर रेडी है। उसके बाद आप थ्री दबा सकते हैं। देखिए थ्री जो हम तीन का बटन दबाते हैं उससे सिर्फ ये देखने मात्र के लिए ही ऐसा होता है, स्मूथ होता है। अगर आपको रियल में ये स्मूथ करना है तो इसके लिए आपको मेश में जाना पड़ेगा और यहां से स्मूथ के ऊपर आपको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके ये रियल में स्मूथ हो चुका है। अब ये वन के बटन से रिलीज नहीं होंगे और वो जो देखने वाली हम थ्री करते हैं उसमें यदि वन दबाते हैं तो वो वापस हार्ड सरफेस में आ जाती है, ठीक है, और तीन से वो स्टेप्स हो जाती है। तो मैंने यहां पर दो बर्तन बना लिए हैं। तीसरा बर्तन मैं यहां पर एक थाली बना रहा हूं। थाली बनाने के लिए यहां देखिए एक डिश दिया गया, मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो मेरे पास एक बीच में ये वाली आ चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका थोड़ा सा स्केल कर लेता हूं, ये मैंने स्केल कर लिया। फिर ईज मोड में चले जाते हैं। अगर आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और भी हैवी बना सकते हो। तो यहां से क्या करो, इसकी जो डिवीजन है ना, डिवीजन को आप बढ़ा दो, ठीक है, ये सब डिवीजन है, इसको बढ़ा दोगे तो ये बहुत ही राउंड सरफेस में हो जाएगा। कर दिया, ईज मोड में गया और लास्ट वाले जो हमारे ईज है इन सभी ईज को हमें सेलेक्ट करना है, ठीक है। एक क्लिक, एक बार क्लिक करेंगे शिफ्ट का बटन दबा के, साइड वाले हम डबल क्लिक करेंगे सारे हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद मैं कंट्रोल ई करता हूं, कंट्रोल ई से एक्सट्रूड होता है और फिर क्या करते हैं, अपना जो ये मूव टूल है इसके ऊपर हम क्लिक करके इसको ऊपर की तरफ खींच लेते हैं, ठीक है। मैंने इतना खींच लिया, हल्का सा थाली है तो पूरा वर्टिकल शेप नहीं होता, हल्का सा फैला देते हैं। फिर कंट्रोल ई वापस करते हैं और यहां से फिर इसी टूल पे आकर के थोड़ा सा इसको फिर से स्केल करके कॉर्नर बना देते हैं, राइट, रेडी। अब क्या करना है, फिर से कंट्रोल ई कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल ई किया और इसकी थिकनेस बढ़ा देते हैं 0.05 इंटर, बहुत मोटा है अभी भी, पतला करेंगे और 0.02 इंटर, ठीक है, काफी पतला है, सही है। ऑब्जेक्ट मोड में जाना है और इसका थ्री का बटन दबा के आपको चेक कर लेना है कि स्मूथ मोड में कैसा दिखता है। तो आप ये देख सकते हैं एकदम जो है रियलिस्टिक थाली बन चुकी है, ठीक है, ये हो गई हमारी थालियां। इसे आप आईक्लाउड में आसानी से लेकर जा सकते हैं और वहां पर आसानी से इसे एनिमेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कुछ थालियां जो है यहां पर रख दिया है, राइट। अब दो हमारी अगला चीज है, उसमें हम बनाएंगे चम्मच बनाएंगे, ठीक है। तो चम्मच बनाने के लिए इसके ऊपर फिर से हमने क्लिक किया, इसको इस टाइप से मैंने बना लिया और यहां पर क्या करना है, इसके कम से कम आधे भाग को डिलीट कर देना है, ठीक है। तो मैं यहां से आधे से ज्यादा में ही मैं यहां से इसको डिलीट कर देता हूं, एडिट मैश, डिटेच। डिटेच करने के बाद ऑब्जेक्ट मोड में जाना है और उसको सेलेक्ट करना है, मेश में जाना और यहां से सेपरेट कर देना है। सेपरेट करने के बाद ऊपर वाली भाग को हमें डिलीट कर देना है और डिलीट करने के बाद यहां से क्या करना है, इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ जंप करवा लेना है और फिर साइड से भी इस टाइप से इसको दबा देना है, ठीक है। देखिए मैं दबा दिया हूं और उसके बाद क्या करना है, हमें यहां से ईज मोड में चला जाना है। देखो आप एक का भी, एक को भी खींच सकते हैं, दो को भी खींच सकते हैं, तो मैं दो खींच लेता हूं। आपकी अगर जरूरत ऐसा है तो आप एक भी खींच सकते हैं। कंट्रोल ई किया और कंट्रोल ई करने के बाद मैं क्या करता हूं, इसको इस टाइप से खींचता हूं। तो एक चीज यहां पर देखो कि ये बहुत ही चौड़ी जा रही है, कोई बात नहीं, इसको हम सेट कर लेते हैं अपने हिसाब से, ठीक है, जितना बड़ा हमारा चम्मच चाहिए उसके हिसाब से। तो लमसम लमसम ये ठीक है और इसका स्केल जो है हम डाउन कर देंगे। तो मैंने इसका स्केल इस टाइप से डाउन कर दिया है, ठीक है, ये देखिए यहां तक मैंने कर लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इसमें कुछ लाइन लगानी है। यहां पर देखो मेश इंसर्ट एडलू टूल है, इसकी मदद से हम यहां पर कुछ लाइन को लगा लेते हैं। लाइन लगाओगे तो ज्यादा ये अच्छा रहेगा, ठीक है। मैंने लाइन लगा लिया और फिर क्या करता हूं, मैं यहां से कुछ डिजाइन बना देता हूं। ये जो हमारी पॉइंट है इन दोनों पॉइंट को मैं यहां से डिलीट कर देता हूं,
ठीक है, ये भी डिलीट हो जाएंगे, डिलीट कर दिया। उसके बाद मैं तीन का बटन दबा के देखूंगा तो हमारी जो चम्मच की शेप है वो किस टाइप से आ रही है वो हमें दिखाई देने लगेगा। ठीक है, फिर क्या करता हूँ, इसका जो है स्केल हम डाउन करते जाते हैं ताकि हमारी चम्मच की डिजाइन तो एकदम रियल चम्मच के जैसा लगे। ठीक है, इसको मैं यहीं से वर्टेक्स मोड में जाके सेट कर रहा हूं। ठीक है, और ये देखिए यहां पर चम्मच बनकर जो है वो रेडी है। थोड़ा इसको भी डाउन कर लेते हैं सभी को। तो ये हो गई हमारी चम्मच। ऑब्जेक्ट मोड में जाते हैं और थोड़ा सा इसको भी थिकनेस देते हैं, कंट्रोल ई किया और यहां से 0.05 एंटर। बहुत मोटा हो रहा है, 0.02 एंटर। हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट मोड। अब देखिए ये हमारी रियल चम्मच जो बनकर रेडी है। ठीक है, देखिए दोस्तों वीडियोस तो आपको कई सारे मिल जाएंगे लेकिन यहां पर जो मैं बता रहा हूं एकदम शॉर्टकट तरीका और बिल्कुल ट्रिक से हर चीज मैं बनाना आप लोगों को सिखा रहा हूं। ठीक है, अगली चीज हमारी है चाय की कप। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस बार एक सिलेंडर लेंगे। तो मैंने एक ये वाली जो है सिलेंडर ले लिया यहां से। ठीक है, सिलेंडर लेने के बाद अब हमारा जो अगला काम है वो है यहां से इसकी वैल्यू नीचे वाली को जीरो कर देना। फिर यहां आना है, फेस मोड में आना है और इसकी साइज जो है वो कम कर देना है। ठीक है, ये ग्लास तो बन ही गया। ठीक है, ग्लास के साथ साथ देखो ग्लास बनाना है तो फिर कुछ नहीं, इसको डिलीट कर देंगे, ये ग्लास ऑटोमेटिक ही बन गया। ठीक है, मैं दिखाई दूं, चलो ये ग्लास भी बना देता हूं, कंट्रोल डी करके मैं डुप्लीकेट ले लेता हूं और ग्लास को मैं रेडी कर देता हूं, कंट्रोल ई किया और यहीं से थिकनेस 0.02 एंटर। ये हो गया, देख लीजिए 0.03 कर देता हूं, थोड़ा पतला हो रहा। ये हो गया ऑब्जेक्ट मोड। ठीक है, तीन का बटन दबा देंगे। देखो तीन का बटन दबाने से ये ऐसा हो गया, कारण क्या है, इसमें लाइन नहीं है, समझ गए। तो पहले इसको एक्सट्रूड करने से पहले हमें लाइन लगा लेनी चाहिए। ठीक है, तो पहले लाइन लगाने के मैश इंसर्ट एडलूप टूल और इसमें लाइन लगा लेंगे। लाइन अगर पहले लगाते हैं तो उसकी बात ही अलग हो जाती है, अर्थात उसका रिजल्ट जो है वो बेहतर आता है। ठीक है, लाइन लगा लिए जहां तहां, ऑब्जेक्ट मोड। अब इसको कंट्रोल ई से इसको बढ़ा लेना 0.02 इंटर, काफी है। ऑब्जेक्ट मोड, अब इसको थ्री का बटन दबाइए, अब ये रियल शेप इसका बिगड़ेगा नहीं। ये देखिए कितनी सुंदर सा प्यारा सा ग्लास जो है वो बन चुकी है। ठीक है, ये हमारी ग्लास बनकर रेडी। ग्लास को भी हम एक लाइन में ही लगा देते हैं क्योंकि जितने भी चीज हम बना रहे हैं, और इस कप को इस थाली में डाल देते हैं। ठीक, और इसको थोड़ा सा हम घुमा करके सेट कर लेते हैं। ये हमारी हो गई और ग्लास को थोड़ा इस तरफ खींच लेते हैं। ये हमारी चम्मच हो गई, हम चाहें तो मल्टीपल चम्मच भी बना सकते हैं। शिफ्ट डी किया और इसको रोटेट किया यहां से, तो यहां देख सकते हैं इतनी सारी हमारी चमचे जो है वो बन चुकी है। ठीक है, अब हम लोग बना रहे हैं कप। कप के लिए क्या करना है, डिवीजन तो लगानी ही है, यहां पर आया और इसमें डिवीजन लगा लेना है। खूब सारे डिवीजन लगा लेता हूं। ठीक है, मैंने डिवीजन जो है यहां पर लगा लिए काफी सारे। राइट, उसके बाद क्या करता हूं, यहां से ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूं और इसको थोड़ा सा मैं डाउन कर देता हूं। ठीक है, मैंने देखा ये डाउन कर दिया, चाहे तो ऐसे करके छोटा करके हल्का सा आप कर दोगे तो ये और भी अच्छा हो जाएगा। देखिए ये हमारी ये वाली अभी शेप है। ठीक है, अब हमारी क्या करनी है, इसको भी कंट्रोल ई से एक्सट्रूड करना है और उसके बाद इसकी डंडियां बनानी है। तो मैं यहां से कंट्रोल ई कर देता हूं, कंट्रोल ई किया और इसकी थिकनेस 0.03 इंटर। कप है तो ज्यादा मोटा भी नहीं रखना, ज्यादा पतला भी, 0.04 इंटर। अब ठीक है, लमसम ऑब्जेक्ट मोड, तीन का बटन दबाऊंगा, दिखेगा सरफेस मोड में। ये बहुत ही गजब है, इसमें डंडी बनानी, डंडी बनाना बिल्कुल आसान है। फेस मोड में जाइए और दो फेस को पकड़ लीजिए। ठीक, एक ऊपर वाले, एक नीचे से कहीं भी पकड़ सकते हैं आप, तो ठीक रहेगा। थोड़ा दूरी लेते हैं, ये वाला हम पकड़ लेते हैं। ठीक, देख लीजिएगा बहुत बड़ा डंडी ना बन जाए, ये ठीक रहेगा मेरे हिसाब से, ये दोनों। ठीक है, अब हम चाहें तो थोड़ा सा बाहर निकाल के बना सकते हैं, डायरेक्ट यहीं से भी कर सकते हैं, अपने ऊपर डिपेंड है। अगर मैं एडिट में जाऊं और यहाँ ब्रिज कर दूं दो फेस को जोड़ने के लिए, और यहाँ से जो सॉरी हमारी बेवल हो चुकी है गलती से, तो एडिट में इसमें जाके ब्रिज करना है। देखिए ब्रिज, ठीक है, और लीनियर को ब्लेंड, डिवीजन को इंक्रीज, प्लस को प्लस। ठीक है, जस्ट कप बनकर रेडी। ठीक है, अब इस कप को भी कहीं पर हम रख देते हैं। दोस्तों जो हमारी अगली वीडियो होगी उसमें हम आप लोगों को
फर्नीचर का अलग अलग चीज जैसे बेड, टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क ये सब सिखाएंगे। उससे अगले वीडियो में ट्री की मॉडलिंग करेंगे, फिर एक बढ़िया सुंदर सा घर कार्टूनी घर की मॉडलिंग करेंगे, फिर रिक्शा, वैन, कार ये सब की मॉडलिंग करते जाएंगे। ये हमारी सारी की सारी टारगेट एनिमेशन वाली कोर्स के अंदर ही आएगी।